बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला। सीएम आवास और राजभवन के ऊपर ड्रोन दिखाई दिया, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। बड़ी बात यह है कि उनकी सुरक्षा होने के बावजूद भी ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। सीएम आवास और राजभवन के ऊपर यह ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए यही जो चमकता हुआ आपको लगेगा कि ये चांद है, लेकिन ये एक ड्रोन है जो कि सुरक्षा में चूक का बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास और राजभवन के ऊपर ड्रोन दिखाई दिया गया, जबकि यहां पर ये नो फ्लाई जोन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। ये पूरा मामला सीएम की सिक्योरिटी से सीधे जुड़ता है और सुरक्षा में बड़ी चूक इसे माना जा रहा है। देखिए सुरक्षा में बड़ी चूक, सीएम आवास और राजभवन के ऊपर दिखाई दिया है ड्रोन, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। ये संदिग्ध ड्रोन, इसका मकसद क्या था, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। ये ड्रोन क्या पुलिस के हाथ लगा है या ये कोई जासूसी का जरिया था, ये तमाम चीजें फिलहाल अभी सवालों की शक्ल में हमारे रूप में हैं, जवाब अभी मिलना बाकी है। बहरहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है पुलिस और कार्रवाई करते हुए एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। अब ये क्या कुछ खुलासे करेगा, क्या कुछ सवाल जवाब इससे किए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये आप देख सकते हैं उड़ती हुई चीज जो सीएम आवास के ऊपर से गुजरी है, ये ड्रोन हुआ चीज है और इसी के चलते माना जा रहा है इसे सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला। देखिए बिल्कुल ये सुरक्षा में चूक का मामला है, क्योंकि नो फ्लाई जोन होता है। आप सीएम का जो आवास रहता है राजभवन, वहां पर उसके आसपास पे कोई ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि सुरक्षा में चूक का ये मामला है। पुलिस ने एक शख्स को हालांकि गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में अब उससे पूछताछ होगी किन कारणों से ये ड्रोन उसने उड़ाया, क्या ये वाकई जासूसी का प्रकरण है, क्या नजर रखी जा रही थी, क्या ये उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश थी। इन तमाम सवालों का जवाब उस शख्स को देना होगा जिसकी गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। लेकिन ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक का है। सीएम आवास और राजभवन के ऊपर उड़ता हुआ दिखा ये ड्रोन सवालों के घेरे में है कि आखिर क्यों ये ड्रोन वहां पर उड़ रहा था जो कि नो फ्लाई जोन है सुरक्षा के कारणों से। क्योंकि देखिए सीएम आपकी सुरक्षा और साथ ही साथ आप जान लीजिए गवर्नर की सुरक्षा बेहद खास होती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा में ये चूक का मामला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास और राजभवन के बीच में उड़ता हुआ यह ड्रोन नजर आया, सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला है और इस पर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो वहां पर ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा था। देखिए सुरक्षा कारणों से ये पाबंदियां लगाई जाती हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए वहां पर अंदर क्या चल रहा है इस पर नजर रखी जा सकती है और उसके जरिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, उनकी जान तक को खतरा हो सकता है। ऐसे में इसीलिए ये बड़ा मामला इस वक्त हो गया है, उनकी सुरक्षा में चूक का मामला हो गया कि आखिरकार कैसे उनके आवास के इर्द गिर्द कोई ड्रोन उड़ रहा है और किस शख्स ने ये ड्रोन उड़ाया, क्यों उड़ाया, किन कारणों से उड़ाया, क्या जासूसी कर रहा था, क्या इन्फॉर्मेशन वहां से जुटाने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम सवालों का जवाब उस शख्स से लिए जाएंगे इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर इसके पीछे भी कोई और बड़ी ताकतें तो नहीं, कोई सियासी ताकतें हैं या कोई ये मामला टेररिज्म का है, जो भी है ये, क्योंकि मामला बेहद संजीदा हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ये मामला है। और योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं तो खासतौर पर जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है, साथ ही साथ उनका जो अपना बात करने का दमखम के साथ में अपना तरीका है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकता है कि उनके जो दुश्मन हैं वो भी बहुत ज़्यादा हों, इस बीच उनकी सुरक्षा और भी ज़्यादा जोरों पर की जाती है और इसीलिए ये मामला बेहद संजीदा हो जाता है कि सीएम आवास के ऊपर आखिरकार ड्रोन उड़ता हुआ कैसे नजर आया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी की सुरक्षा में चूक का ये मामला है, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस ड्रोन की जो सीएम आवास के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस ड्रोन को क्या कब्जे में लिया गया है या नहीं लिया गया है फिलहाल ये नहीं पता, लेकिन एक शख्स को जरूर गिरफ्तार किया गया है और इस शख्स को हिरासत में लेने के बाद जाहिर है कि पुलिस इससे पूछताछ करेगी। ये मामला गंभीर है क्योंकि सीएम की सुरक्षा का मामला है और जिस तरीके से सीएम योगी लगातार हर जगह स्टार प्रचारक के तौर पर या बीजेपी के बड़े नेताओं के तौर पर देखे जाते हैं, अपनी बात को जिस तरीके से रखते हैं और सीधे देश के दुश्मनों को
धमकी भी देते हैं, उनसे टक्कर लेने का मादा भी रखते हैं। ऐसे में ये ड्रोन यहाँ पर किस मकसद से भेजा गया था, किसी ने भेजा था या अनइंटेंशनल हुआ, ये तमाम चीजें फिलहाल जांच का विषय है और इसकी हकीकत सामने आना बेहद जरूरी है। वो शख्स क्या कुछ खुलासे करेगा ये भी देखना जरूरी रहेगा।